HBN न्यूज, जो सच वही खबर। मुरैना जिले के सबलगढ़ से कांग्रेस विधायक बैजनाथ कुशवाहा ने बाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में निजी स्कूल के बच्चों को संबोधित करते हुए दिए विवादित बयान पर सफाई दी है। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर बाल दिवस पर नशे के दुष्परिणामों से लोगों को जागरूक करवाना है। इसी क्रम में स्कूल के कार्यक्रम में बच्चों को शराब के बुरे प्रभावों को बता रखा था। विधायक का कहना है कि मैंने किसी समाज या राजा को चिन्हित नहीं किया, बल्कि सभी राजाओं और समाज के लोगों के बारे में कहा था। पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप हमारे आदर्श हैं। मैं उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। उन्होंने घास की रोटी खाकर समाज और देश की रक्षा की। मेरे बयान से क्षत्रिय समाज सहित किसी भी समाज को किसी तरह की ठेस पहुंचती है तो मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांगता हूं। आपको बता दें कि विधायक ने बैजनाथ कुशवाहा बाल दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने एक निजी विद्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने बच्चों को संबोधित करते हुए नशे की बुराइयों को बताया है। इसी दौरान उन्होंने विवादित बयान देते हुए राजपूत राजाओं को शराबी करार कर दिया था। विधायक कुशवाहा ने कहा था कि शराब की वजह से ही आज इन राजाओं के किले में चमगादड़ों ने अपना बसेरा बना लिया है, जिसके बाद उनके बयान पर सियासी हलचल शुरू हो गई थी। मुरैना से रिपोर्टर शुभम कुश्रिष्ट की रिपोर्ट। आज आपने जो पीटी जो पब्लिक स्कूल में है, जो आपने स्टेटमेंट दिया है छत्री समाज के लिए, उसमें क्या कहना है आपका? नहीं, ये मैंने छत्री समाज के लिए नहीं कहा, इसमें तो अपनी जितनी मैंने अपनी बरादरी के बारे में भी कहा है। इस देश में जितनी जातियाँ थी जिनके बड़े बड़े राजा महाराजा रहे, हमने इतिहास में पढ़ा है कि हम भी इस देश के राजा महाराजा रहे, हमने इतिहास में पढ़ा है। तो आज हमारा जो सत्यानाश का कारण रहा है वो केवल दारू, चर्स, घास, अफीम, डोंडा, क्रिकेट, स्मैक, बीड़ी, तम्बाकू, ये सब इनके कारण हमारा सत्यानाश हुआ। तो मैं बच्चों को जब ये नशा मुक्ति को लेकर के ये कार्यक्रम था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बाल दिवस को इस तरह से उन्होंने रखा कि बाल दिवस के ऊपर में हम पूरे प्रदेश में प्रदेश को नशा मुक्ति दिलाना चाहते हैं नशे से, तो इस तरह इस अवसर पर ये कार्यक्रम हमें वहाँ पहुँचा था। कार्यक्रम में तो मैंने ये कहा था कि बड़े बड़े राजा महाराजा जिनकी आबादी कानून हुआ करती थी, बड़ी बड़ी रियासतें थी जिनके राज्य में कभी सूर्य नहीं डूबते थे, जिसमें से मैंने मालवान, जरासा, तचक, लोहे, लबड़ासुर, भट्टासुर, लोहसुर, कंस, मारीची, जदीती, जटायु, संपा, तिघणाकश्यप, तमाम सारे बड़े बड़े राजा महाराजा थे। तो मैं बच्चों को ये समझा रहा था कि जब इतने बड़े बड़े राजा महाराजा इस दारू के चक्कर में बर्बाद हो गए तो हमारी क्या औकात है। तो इसलिए मैंने उनको ये समझा रहा था, मेरी ऐसा कोई भावना नहीं थी। मैंने महाराणा प्रताप का तो नाम भी नहीं लिया है, वो हमारे आदर्श हैं, हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। वो स्वाभिमानी थे और अपना राजपाट छोड़ करके जंगल में घास की रोटी उन्होंने खाई, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। और महाराणा प्रताप जहाँ पृथ्वीराज चौहान का नाम आया है तो भावावेश में मैंने कह दिया वो भी हमारे आदर्श हैं, हम उनकी भावनाओं की कदर करते हैं, हम उनको इतिहास में पढ़ते हैं, उन्होंने 21 बार मोहम्मद गौरी को हराया था। तो इस तरह से तमाम सारे राजा महाराजा की वजह से आज ये देश यहाँ पर टिका है। अगर मेरी बात अगर ऐसा उनको बुरा लगी है, वैसे मैंने किसी की भावना को ठेस पहुँचाने के लिए ऐसी बात नहीं कही है, अगर किसी की भावना पर ठेस पहुँची है तो मैं उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगता हूँ। गांव के हालात से लेकर किसानों के भरोसे तक, गांव के विकास से लेकर खेतों की खुशबू तक, गांव के प्रधानों से करेंगे बात, गांव गांव तक पहुंचेंगे हम, हर खबर दिखाएंगे हम, हकीकत गांव की। जल्द आ रहा है HBN न्यूज़ पर।